तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल की हाल चाल वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा पॉजिटिव और मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे 5 दिन बाद आज धूप निकली है। ये रेनी सीजन की वजह से सब जगह पर काफ़ी स्मेल हो जाता है, आपको भी पता होगा काफ़ी स्मेल सा हो गया था, काफ़ी मतलब वो नेगेटिविटी वाला फील आ रहा था। साथ काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है तो थोड़े से कपड़े पड़े पेंडिंग वो धोने डालने हैं, वो डाल देते क्योंकि पिछले जो डाले हुए थे वो भी अभी तक नहीं सूखे ढंग से। और अभी जो मेरे को पूरा फिर नेक्स्ट वीक के लिए क्लासेस के लिए जो कपड़े लगते हैं वो फिर ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, सो जो फटाफट ये कपड़े धोने वाला काम है फटाफट ख़त्म कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्लास्टिक का यूज़ करते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्लास्टिक की थैले देते हैं। खैर अपने इंडिया में तो बैन है, मेरे को लगता है यहाँ पे भी बैन होना चाहिए। सारा सामान मेरा लेके हो गया, अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे और आलू प्याज जो भी घर पर सब ख़त्म था सारा सामान ले आया हूँ मैं। बाकी आप देख सकते हैं आज बहुत वेदर बेहतर है, धूप निकली है कितने दिनों बाद, आज मिलेगा अच्छे से विटामिन डी। ये बन रहा है महाराष्ट्र का स्पेशल ठेचा। लास्ट टाइम हम लोग ने पीनट्स ज़्यादा डाल दिए थे तो इस बार हम लोग ने पीनट डाले नहीं, पूरा एकदम गांवटी स्टाइल में बना रहे, जैसा गांव में बनता है ना वैसा बन रहा है। आलू चल रहे हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है मेरे लिए, क्या बोलते हैं ब्रेड सैंडविच बनने वाला है और इसके ये लड़की के लिए ब्रेड पकौड़ा बनने वाला है। बोल दो हेलो यूट्यूब। हेलो यूट्यूब। हेलो हेलो। गर्म है। अपने 12 बजने आए गाइस, अभी हमारा ब्रेकफास्ट अभी जस्ट स्टार्ट होगा ब्रेकफास्ट हमारा। ये बबीता का ब्रेकफास्ट बन के रेडी है और ये मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, सो बस वेट कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा काम करके आएगी फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह स्टार्ट करते हैं क्योंकि रात को थोड़ा सोने में लेट हो गया था। तुम बाबू 4 बजे सोइए ना, ये इसको चार बजे के सोते थे और मैं 2 बजे सो गया था, मेरे को पता नहीं चला कब नींद आ गई, जैसे फ़ोन रखा साइड में नींद आ गई थी। आज बाहर वेदर बहुत अच्छा है, धूप आई हुई तो इसके लिए मैंने सोचा कि अभी आज जो रील शूट करने वो बाहर ही शूट कर लेते हैं। सो भांगड़ा का वीडियो मैं आज शूट करके इंस्टाग्राम पे मेरे डाल दूंगा, सो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कीजिए और बस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और रील वीडियो मेरा शूट हो गया, आप देख सकते हैं कि वीडियो में कितना पसीना आ गया और कपड़े भी धुल के रेडी है अभी, तो फटाफट कपड़े बाबू बाहर टांग देते हैं ना फटाफट कपड़े, फिर खाना खाते हैं यार। लंच आज ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया और अभी लंच भी लेट हो रहा है, देखो 2:30 बजने आए हैं और अभी तक हम लोगों ने लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फटाफट सारे काम करके अभी लंच की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। और अभी लंच टाइम तो हमारा निकल गया है, 4 बज गए हैं, सो ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था और लेट कर लिया था, तो मेन चक्कर है ब्रेकफास्ट हम लोग ने काफ़ी लेट किया, इसके लिए पेट अभी तक भरा ही हुआ था हमारा। सो अभी हम लोग ने सोचा तो दो आलू के पराठे इनफ होंगे, सो हम लोग ने दो आलू के पराठे बनाए। तो कितने टाइम के बाद, कितना ट्राई करने के बाद, कितने सारे एफर्ट्स करने के बाद आज फाइनली हमारे आलू के पराठे बने एकदम परफेक्ट ना। हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे आलू के पराठे बनाने को, कभी फट जाते थे कभी छोटे बन जाते थे, कुछ तो अजीब सा होता रहता था। आज फाइनली आलू के पराठे अच्छे बने हैं, साथ में हम लोग दही खा रहे। मेरे को पता चला गलती मेरी होती थी क्योंकि मैं आटा बराबर से नहीं गूंद पाता था। 5:30 बज गए तो अभी मेरे को क्लास लेने जाना है, सो आई एम रेडी फॉर द क्लास। डाउन 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 टेन व्हाट तू क्या मेरा यस हाँ वीडियो क्लास मेरी खत्म हो गई है और अभी मैं जस्ट कुछ सामान लेने आया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं है विनमार्ट, यहाँ पे बहुत सारे मार्ट होते हैं हमारे एरिया के, कुछ 5 किलोमीटर के अंदर ही मेरे ख्याल से 10 से 15 मिन मार्ट होंगे ऐसे छोटे से, सो छोटे छोटे मार्ट होते हैं, तो सामान तो मेरे को मिला नहीं यहाँ से, अभी मेरे को दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा लेने के लिए। सो लेट्स सी कुछ सामान था जो बबीता ने मेरे से मंगवाया था, अभी जाते जाते घर लेके जाना ही पड़ेगा, सो अभी दूसरे मार्ट जाके देखता हूँ। ये है विनमार्ट यहाँ का,
आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बताया था जैसे कि मेरे 5 किलोमीटर एरिया के अंदर ही 5-6 विनमार्ट है। सो मेरे को लेना था एक बर्तन मांजने वाला, बर्तन साफ़ करने वाला सर्फ। सो ये सर्फ ले रहा हूँ मैं 80 रुपीज़ वाला, यहाँ के 80 हैं V&D, इंडिया के हिसाब से 3 गुना ज़्यादा, तो अपने हिसाब लगा लीजिए। बाकी सब मिल जाता है, देखो आपको यहाँ पे नूडल्स वगैरह, फिर स्टेशनरी का सामान, छाते वाते सब जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा। तो गाइस मेरा शॉपिंग करके अभी हो गया, अभी मेरे को घर जाना है और आज बबीता की थोड़ा तबीयत सी ख़राब है, सो मेरे को घर पे जाके उसकी हेल्प करानी है डिनर वगैरह बनाने में, फिर उसके बाद वीडियो वगैरह एडिट करनी है और थोड़े से और शॉर्ट वीडियो मेरे को शूट करने हैं। पूरे दिन में कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी बबीता अंदर डिनर प्रिपेयर कर रही है और मैं इधर ये कपड़े वगैरह डाल के फिर उसके बाद डिनर वगैरह करते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और शॉर्ट वीडियोज मेरे को बनानी है। अंदर जाऊँगा फिर फ्रेशन अप होके शूट करते हैं। और आज वेदर इतना हॉट है ना कि मैं अभी ये दिन में तीसरी बार शावर ले रहा हूँ। इतनी बरसात, इतनी रेन, इतनी बरसात के बाद फिर आज मौसम इतना चिपचिपा सा लग रहा है। अभी तीसरी बार शावर लूँगा। ये देखो कितना सारा काम मेरे को करना पड़ता है, अभी ये कपड़े घड़ी करने, ये काम बाकी, और ये लड़की कुछ नहीं करती बीच में मेरी मदद। क्यों नहीं करती मेरी मदद तुम? क्यों नहीं करती मेरी मदद? सो भी आपको ये सब देख के लगता रहेगा कि इतनी रात को रेडियो को किधर निकल रहा है, बट मेरे को कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह शूट करनी थी तो मेरी शूट करके हो गई है। ऊपर से रेडी हूँ और नीचे से मैंने शॉर्ट्स ही पहने हुए। सो अभी शूट करके मेरा अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और अभी मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख और टाइम हो गया है 9:30 बज गए गाइस। और ये वीडियोस वगैरह शूट करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कब इतना टाइम होगा। फिर फटाफट अभी खाना खाएंगे क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप सब लोग को आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।